आईएनएक्स मीडिया हेराफेरी मामले में सीबीआई के बाद ईडी केस में भी अब चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया है जिसमें ईडी ने चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार करने की मांग की थी। जानकारी के मुताबिक कल सुबह 8:30 बजे ईडी तिहाड़ जेल में चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी, उसके बाद गिरफ्तार कर लेगी। विशेष कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने वहीं पूछताछ और गिरफ्तारी की इजाजत मांगी थी। इस पर कोर्ट ने ईडी से कहा, यह इनकी गरिमा के मुताबिक नहीं होगा कि आप यहां सार्वजनिक रूप से उनसे पूछताछ और गिरफ्तार करें। फिलहाल चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया केस में 17 अक्टूबर तक सीबीआई की गिरफ्तारी में है। उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया है, वह 5 सितंबर से तिहाड़ जेल में है। सीबीआई ने 21 अगस्त को उन्हें हिरासत में लिया था। इससे पहले चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कल तक के लिए टल गई। अब कल सीबीआई की ओर से दलीलें रखी जाएंगी। सीबीआई चिदंबरम की जमानत का विरोध कर रही है। सीबीआई का कहना है कि इस मामले की जांच अभी चल रही है। चिदंबरम बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है, वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में माना है कि पी चिदंबरम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई ने कहा कि चिदंबरम ने 2 गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की है, ऐसे में उनकी जमानत याचिका खारिज होनी चाहिए। चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।